नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-2021 का आगाज फिर से 5 मार्च से होने वाली है। पिछले साल ही इस टूर्नामेंट का पहला सीजन खेला गया था, लेकिन दुनिया भर में आए कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था। इस बार टूर्नामेंट वहीं से शुरू होगा जहां पर पिछले साल खत्म हुआ था। अब तक इस टूर्नामेंट के 4 मैच खेले जा चुके हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इस बार 6 टीमें शामिल है, जिसमें से भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका के महान पूर्व खिलाड़ी शामिल है। भारत की ओर से इंडियन लेजेंड की कप्तानी महान सचिन तेंदुलकर करने वाले हैं। इंडिया लेजेंड्स टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी खेलेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम की कप्तानी केविन पीटरसन करेंगे। 5 मार्च को इस टूर्नामेंट का पहला मैच इंडिया लेजेंड्स बनाम बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच रायपुर के शहीद नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मैच इसी मैदान पर खेले जाने वाले हैं। मैच का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है। 5 मार्च को इंडिया लेजेंड्स बनाम बांग्लादेश लेजेंड्स से शुरुआत होगी। वहीं 17 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल होगा और फाइनल मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। सभी मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे और कलर्स सिनीप्लेक्स और कलर्स रिश्ते चैनल्स पर लाइव प्रसारित किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन मैच का लुफ्त फैंस वूट ऐप और जियो टीवी पर उठा सकते हैं। इंडिया लेजेंड्स की टीम इस प्रकार है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी, नमन ओझा, प्रज्ञान ओझा और यूसुफ पठान। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।